आखिरकार जिस फिल्म का इंतजार भोजपुरी दर्शक बड़े ही बेसब्री से कर रहे थे, फाइनली उसे होली के मौके पर पूरे बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया। जी हां, हम बात करें भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि होली के पावन मौके पर बिहार और झारखंड के बॉक्स ऑफिस पर पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म पवन पुत्र बॉक्स ऑफिस पर रिलीज किया गया और रिलीज होते ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। जी हां, आपको बता दें कि पहला दिन यानी कि फिल्म को 10 तारीख को रिलीज किया गया, लेकिन फाइनली 11 तारीख को सभी थिएटर सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया और 11 तारीख को रिलीज होते ही सिनेमाघरों में भारी भीड़ दर्शकों के देखने को मिली। जी हां, आपको बता दें कि सुबह से ही टिकट काउंटर पर भारी मात्रा में ब्लैक होते हुए नजर आए, तो कई दर्शकों को टिकट ना मिलने से दूसरे शो का इंतजार करना पड़ा, तो कई सिनेमाघरों में भारी मात्रा में टिकट ब्लैक होते हुए नजर आए। कुल मिला के कहा जाए तो पावर स्टार पवन सिंह का जलवा पहला दिन होली के बॉक्स ऑफिस पर छाया रहा, यानी कि सभी सिनेमाघरों में लगभग हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ नजर आया है। आपको बता दें कि पवन सिंह पवन पुत्र में बिल्कुल एक्शन पैक अंदाज में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस फिल्म में पवन सिंह पहली बार प्रियंका पंडित और प्रियंका रेवाड़ी के साथ जोरदार रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। कुल मिला के कहा जाए तो पवन सिंह के दमदार डायलॉग पर भोजपुरी दर्शक जमकर सिनेमाघरों में सीटी बजाते हुए नजर आते हैं, यानी कि पवन सिंह की पवन पुत्र फुल ऑन भोजपुरी दर्शकों के दिमाग में रखकर बनाई गई, तभी तो भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त रिस्पॉन्स फिल्म को मिल रही है। तो ऐसे में अगर आप लोगों ने अभी तक पवन पुत्र नहीं देखा है तो आप अपने नजदीकी थिएटर में जाकर पवन पुत्र को जरूर देखें, और जिन लोगों ने फिल्म को देख लिया है ना, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पावर स्टार पवन सिंह का पवन पुत्र कैसा लगा।